पिछले एक साल से किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर किसान डटे हुए हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई कई चरणों की बैठक बेनतीजा रही, लेकिन इसी बीच जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आज हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। किसान केवल दिल्ली सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि पंजाब, हरियाणा, यूपी में रहने वाले किसान ऐलान कर देते हैं कि फलां तारीख को इतने घंटे का चक्का जाम होगा। फिर आप सोच सकते हैं कि इतने घंटे आम जनता को ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इमरजेंसी में काम पर पहुंचने वाले लोग माथे से पसीना पोंछते नजर आते हैं, और तो और एम्बुलेंस में जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे मरीज की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और तो और व्यवसाय पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। लोगों के रोजगार चले गए, काम धंधे चौपट हो चुके हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको एक वायरल वीडियो दिखाने वाले हैं, जिसमें आप सुनेंगे एक ऐसे ही व्यवसायी की गुजारिश जो उसने सरकार व किसान जत्थेबंदियों से की है कि अब कोई हल इसका निकाला जाए ताकि आम जन राहत की सांस ले सके। जी रिलायंस मार्ट तरन तारण जो कि बंद पिया है जी, किसानी अंदोलन करके विरोध हो रहा है जी। साड़ी प्रशासन नू बेनती है ते किसान जथेबंदियां नू बेनती है कि कुछ हल लभ्या जावे ते साड़े स्टोर ओपन किए जान। असीं बहुत ज़्यादा परेशान हाँ, बैंक दियाँ किश्तां हर महीने जा रही ने, इस करके असी बेनती करते हैं प्रशासन नू अते किसान जथेबंदियां नू कि जल्दी तो जल्दी कोई हल लभ्या जावे ते इन्हां स्टोरां नू ओपन किया जावे। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।